जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा कृपया करके, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पर बात कीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब दूंगी। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो आपने काफ़ी सुनी होगी और आपने इसके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन उसका क्लियर कट टू कट जो तरीका है वो YouTube पे भी किसी ने नहीं बताया। जैसे कि भगवान गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव, इन सबके साथ में कुछ बहुत ही खास जानवर को हम देखते हैं, जैसे गाय है, बैल है, सांप है, चूहा है। तो उसमें से जानवर जिसको आप मानते हैं गाय, जिसको कामधेनु भी बोलते हैं, गाय जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसका गोबर, इसका जो बाथरूम होता है, पेशाब होता है और सींग होते हैं, यहाँ तक कि खुर तक। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, घर में औरतें बीमार रहती हैं, आदमी बीमार रहते हैं, घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तलाक की नौबत आ रही है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो रहा है, सास बहू में नहीं बनती है, ससुर में नहीं बनती है, घर में माहौल बहुत ही ख़राब हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया है घर में, या कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, नौकरी की समस्या आ गई, बेरोज़गारी आ गई, आपकी दुकान चलते चलते बंद हो गई, दुकान में समस्या आ गई, घर में समस्या आ गई, फैक्ट्री में समस्या आ गई, यानी किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, भगवान शिव शंकर समाधिलीन थे, माता पार्वती गणेश जी के लिए खाना बना रही थी, और जो उनका प्रे वाहन है काम धेनु गाय, यानी कि गाय जिसको आप कपिला गाय भी बोलते हैं, जो कृष्ण जी की बहुत प्यारी है, तो गाय बाहर बंधी भी थी, नंदी उस समय नहीं थे। और तभी क्या हुआ, एक राक्षस था, उसको अचानक से ये आया कि भगवान शिव ध्यानलीन है, कोई आसपास है भी नहीं, तो क्यों ना मैं शिव जी को परेशान करूं। तो वो आके शिव जी को परेशान करने के लिए आ गया और उसने शिव जी को परेशान करना शुरू कर दिया। तभी क्या हुआ, वहाँ पे जो सुरभि थी, यानी कि गाइयाँ, जो माता पार्वती का जो वाहन कहा जाता है, वो वहाँ पे खड़ी थी, और जैसे ही उसने देखा कि कोई अनजान प्राणी जो है वो हमारे उस पे आया है और इस तरह से भगवान महादेव को परेशान करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसने, जैसे गाय होती ना वो गुस्सा करती है तो फुंकार मारती है नथनों से अपने, और अपने जो उसके खुर होते हैं उसको खूब ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर रगड़ती है। आपने देखा होगा कि जब कोई पशु या पक्षी नाराज़ होता है, पशु जो होता है वो अपने आगे के जो पैर होते हैं उसे ज़मीन को रगड़ने लगता है, तो इसी तरह से गाय ने भी रगड़ना शुरू किया और उसने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ के जो है उसको टक्कर मारी। टक्कर हुई, लड़ाई हुई, माँ पार्वती भाग के आई शोर की वजह से, गणेश भाग के आए, तो उन्होंने देखा कि एक अनजान सा राक्षस परेशान कर रहा है महादेव को, कोशिश कर रहा है, और इसके लिए जो गाय है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो सबको देखकर वो राक्षस डर के मारे भाग गया, और उसके भागने के बाद गाय थक गई और सांस जोर जोर से लेने लगी और वो बेचारी नीचे बैठ गई। तो जो उसने अपने पैर रगड़े थे और उसने जो लात मारी थी राक्षस को, तो उसके ऐसे खुरों में बहुत ज़्यादा मट्टी लग गई थी और खुरों से खून भी आने लगा था। माता को ये देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने फटाफट उसकी, मतलब जो परिचारक होते हैं ना, यानी कि जो उनकी जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी मल करते हैं, वो माता ने उसको फटाफट गाय के खुरों के ऊपर पट्टी बांधी और देखा तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी थी। उस दिन से गाय को ये आशीर्वाद मिला, माँ पार्वती ने कहा कि तुम्हारे खुरों में जो मिट्टी जमी है, तो आज से मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जिस घर में भी तुम्हें खुरों के पैरों की जो तुम्हारी मिट्टी है, उस मिट्टी को जिस घर में भी हम, मतलब जो भी, जिस घर में भी ये मिट्टी रहेगी, उस घर में कभी भी कोई भी मनुष्यत नहीं होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई बीमार नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, उस घर में सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा होगा और सिर्फ अच्छा ही होगा, ये गाय को
आशीर्वाद मिल गया। तो आपने स्टोरी तो सुन ली कि गाय को आशीर्वाद क्यों मिला और कैसे मिला, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपके घर में कोई लव मैरिज करना चाहता है या किसी के आपके घर में आपका पति या आपकी पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और आप इस झगड़े से परेशान हो गए हैं और आपकी एक मन्नत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये प्रयोग आपको करना है, गाय के पास जाना है, कपिला गाय जो सफ़ेद होती है ना, देसी गाय जिसे हम बोलते हैं, उसी के पास जाना है, हाथ जोड़ना है, घर से एक आटे की लोई, उसमें थोड़ा सा शक्कर, शक्कर क्या होती है, जो गुड़ होता है ना, गुड़ उसको पीस के जो शक्कर बनती है बाज़ार में मिलती है, तो थोड़ा सा शक्कर आटे की लोई के अंदर भर के आपको सीधे जाना है गाय के पास और वहाँ पे दोनों हाथ जोड़कर गाय के सामने खड़े होना है और गाय को बोलना है कि हे देवी, मैं अमुक पुत्र या पुत्री अमुक अमुक गोत्र से हूँ और मैं अपनी फलाफला मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके पैर की धूल को लेने आया हूँ या आई हूँ, मुझे इससे फलाफला काम करना है अपना, जो भी आपका मन की कामना इच्छा है बोल के, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो, इसके लिए मैं आपकी धूल लेने आई हूँ, कृपया करके मेरे साथ चलिए धूल के रूप में और मेरे कार्य को बना दीजिए। उसके बाद आपको वो आटे की लोई गाय को अपने हाथ से खिला देनी है, सीधे हाथ से खिलाइएगा, हाथ जोड़िए माथे पे थोड़ा सा गाय को सरा के और उसके बाद हाथ जोड़ के, उसके बाद आपको जैसे गाय आगे पीछे होगी तो गाय के जहाँ दोनों पैर आगे पड़े थे, आगे के पैर की बात कर रही हूँ, वहाँ जितनी भी मिट्टी आपको इकट्ठी होती है सारी मिट्टी लेके आनी है आपको। अब घर में लाके उस मिट्टी में या तो आपको गौमूत्र मिलाना है या फिर आपको शुद्ध गंगा जल मिलाना है और उसके आपको गोलियाँ बना लेनी है। अगर आपसे गोली बनना नहीं हो पा रहा है तो बस आपको गौमूत्र या गंगा जल मिला के इसको गीला कर लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस से बना लेने हैं और इसको क्या करना है, छोटे छोटे अखबार के टुकड़े काट लेना और उसमें आप इसको रख लोगे। अब आपका जो इच्छा है वो वशीकरण से संबंधित है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे प्यार करने लगे या आपका जो पति या पत्नी है आपसे प्यार करने लगे, तो आपको क्या करना है, अपने सिरहाने में ये एक रात को कागज़ में जो आपने बना के रखी ना मिट्टी, तो आप एक आपको लेनी है और उसको अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। अगले दिन सुबह जैसे ही तड़के आप उठेंगे, नहा धोकर अपनी पूजा पाठ निकाल कर चुपचाप इसको उठा लेना है, घर में आपको टोके ना पीछे से, इसका ध्यान देना है, टोक दिया तो खंडित हो जाएगा, कहाँ जा रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी आप काम वाम करते हैं तो उसको पहले से घर में बता के रखो कि जरा मुझे काम से बाहर जाना है या शैम्पू लेने के बहाने कुछ भी या पढ़ने के बहाने कुछ जो भी आपको समझ में आता है पहले ही आप सोच समझ के घर से बाहर निकलेंगे और आपको ये जाकर चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है, हाथ जोड़ने हैं और बोलना है कि हे सुरभि माँ, गाय का नाम होता है, मैंने आज आपको नाम की जो ये मिट्टी रखी थी और मैं इसको वहाँ रखने आई हूँ पीपल के नीचे और मेरी जो भी कामना है मन की पूरी हो जाए, वो इंसान मुझे प्यार करने लगे, जो तुम्हारा पति है पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका जो भी है उसका नाम लेके मेरे इस काम को सिद्ध कीजिए, मैं अमुक पुत्र पत्री अमुक अमुक गोत्र से मैं इस काम को कर रही हूँ, मुझसे मेरे काम को पूरा कीजिए और जो गलती हुई है मुझसे क्षमा करें। इस तरह से आपको ये छोटा सा प्रयोग करना है और आप शुक्रवार को ये प्रयोग करेंगे और आपको ये मिट्टी लगातार तब तक रखनी है जब तक आपका वो साथी जिसको आप प्यार करते हैं या आपका पति या पत्नी वापस आपके जीवन में ना आ जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी पीपल के पेड़ के नीचे हम रोज़ नहीं जा पाएंगे, तो जाना तो आपको पड़ेगा और टोक कोई नहीं लगाए इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पलट के वापस आ जाना है, घर में पैर धो के अंदर बैठ जाना है। आप इस उपाय को कर लीजिए। अगर आप सुबह सुबह नहीं जा सकते हैं तो फिर थोड़ा सा 12 एक बजे से पहले ही आपको जाना है, 12 बजे दोपहर नहीं लगनी चाहिए, उससे पहले आप किसी भी बहाने से आपको जाना है, आपको रख के आना है। शुक्रवार से प्रयोग स्टार्ट करेंगे और इसको आप कंटिन्यू में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई समस्या हो तो आप